What are you doing? Nothing. Har har shambhu song. तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं हर हर शंभु। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। yes. और अब थोड़ा सा ये देखो कहाँ पैक रखा है केचप पिचका के खा पी के फेंक देते हैं, इतना शर्म नहीं आती है। तो अभी जो है एडिटिंग करने जा रहे हैं फटाफट। भाई सब टायर्ड हो चुके हैं पूरी तरह से। फटाफट मैं व्लॉग्स दे देता हूँ अपने और एडिटिंग शुरू हो जाती है। ओके गाइस तो मिलते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद। वेयर आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। ओके गो। तो गाइस आज पार्टनर की थोड़ी तबीयत खराब है, उनको पेन हो रहा है यहाँ पर। और आज संडे भी है सो क्लिनिक भी मोस्टली ऑफ है, तो अभी पापा से बात करी जा रही है। और गोली तो मैंने दे दी है इनको, तो अभी मैं इतने फटाफट नहा लेता हूँ, जैसे पापा कहेंगे उस हिसाब से फिर डिसीजन दे के बस दुआ करो फटाफट ठीक हो जाए। इस टाइम में 50% दूँ। ओके अभी आता हूँ, है ना। ओके मैं क्या कर रही हूँ अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रही। मैं सोच रही हूँ चलो मैं बैठे बैठे ना इनके कपड़े निकाल देती हूँ, और अगर हो सके तो मैं आयरन भी कर देती हूँ। आयरन भी रखा हुआ है, चलो मैं निकालती हूँ इनके कपड़े। कपड़े तो निकाल दिए ना, ये शर्ट में प्रेस कर देती हूँ। कहाँ भी आयरन इस पर रख कर ही करूँगी, क्योंकि मैट्रेस का दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि प्रेस से ना मैट्रेस ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये बहुत एक ही लेयर की तो कॉटन वो होती है बेडशीट, तो बेटर ऑप्शन है। तो ये ब्लैंकेट जो बहुत वार्म है इसको मैं बिछा लेती हूँ, फिर मैं प्रेस कर देती हूँ उनके आयरन। ये तो डन हो गई, आयरन तो कर दिए मैंने, अभी आकर पहन लेंगे अपनी। यार मुझे अपने भी तो करने हैं प्रेस, मैं भी नहाने सोच रही हूँ, थोड़ा ठीक सा लगेगा फिर मुझे अगर मैं नहा लूँगी। सो गाइस आई एम कम बैक। तो मैं नहा कर हो गया रेडी, और बस देखो कुर्ता पहन रखा है, और अब खाने की तैयारी करी जा रही है। पार्टनर इज नॉट वेल राइट नाउ, क्या करा जाए यार। आई हैव नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन। डोंट वरी अबाउट इट्स ऑफ। आई चलो फिर मैं अपना लंच कर लेता हूँ। तो आपको चाय चाहिए जनाब? हां चाय चाहिए आपको? या आपके नोज में तो इटिंग हो गई कोल्ड। इतना गंदा मुंह मत बनाओ प्लीज। ओ प्लीज थोड़ा सा आई एम फीलिंग लाइक होम। सो ठीक केयर, अब मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो आप कैसे हो अभी? अरे मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर पड़ी रहूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी। यार सारा जितने क्लिनिक्स हैं सब ऑफ हैं बिकॉज़ ऑफ संडे। बीच में इतनी पेन हो जाता है तेज से, तो अब क्या कर सकते हैं, कल ही जाऊंगी। तो बेटर है ना पहले से? हाँ बस ऐसे मूव होती हूँ तो पेन होता है। आप भी टी पियो, मैं भी टी पियूंगा, और गाइस आप भी बना कर टी पियो, बिकॉज़ थोड़ा सा मौसम ऐसे हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। यस कभी सनी डे तो कभी रेनी डे, तो चलें अप एंड डाउन। या जाऊं? यू कैन यूज दिस ट्राइपॉड फॉर दिस बेस्ट ट्राइपॉड यूलेंजी MT11। चाय इज रेडी, तो फटाफट इसको पी लिया जाए और मजे कर लिए जाए। ये तो जा रही है पार्टी में, शी इज गोइंग ऑन अ पार्टी। तो इसकी जो दूसरी बहन है उसकी पार्टी है शाम को, कितने बजे? बर्थडे पार्टी में जा रही है। तो आज इन्हें सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि शाम को बर्थडे पार्टी है। पनीर पनीर छाटेगी वहाँ पर जाके। What is this? Hey, coffee beer. Yeah. Take some coffee right now. Give me my cell phone. Why? I need two calls. तो गाइस इन्होंने मेरा फोन ले लिया और मेरे को दे रहे नहीं है, हथिया चुका है। मेरा आधा कमरा भी घिर चुका है, कब्जा हो चुका है, कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी पे 50% तो कब जा चुके हैं। लाओ 50% तो आप और 50% यार देखो फिर दोबारा। भाई साहब इसकी वजह से पूरी लाइट नहीं आंदी है, डाउन हो गई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसको पहले ऑफ कर दो, कभी मेरा ही बल्ब जल जाए आराम से। इससे अच्छा तो ना ठीक ही करवा लो इसको, या तो हटवा दो इसको। ये ना ये जो इसकी क्लिप्स है ना, हां यूज है इसके। अरे उसे हटा लो ना, दूँ कपड़ा दूँ। गिव मी यार इससे नहीं हटाऊँ टिश्यू पेपर से, बिकॉज ये तो हम यूज़ करते हैं ना। चलो खास
हाँ उसको फेंक देना। मेकअप रिमूवर कौन? मेकअप रिमूवर। ओ यार तुम्हारे ये खराब हो गए देखो। रीना ऑन चैलेंज कंप्लीट। इट्स डन। यस। तो अभी जो एडिटिंग करी थी हमने वीडियो, उसमें लिटिल बिट जो है सॉन्ग्स वगैरह लगा लो आप। I like this song. Enough. So mom said to me ke chicken potato. Tonight dinner's chicken potato. So guys mast lagte hain waise chicken potato. What happened, buddy? What happened, be with you? Nothing. पता नहीं क्या हो गया यार इनको, I don't know. फटाफट जल्दी okay. तो गाइज मैं इनको लेके जा रहा हूँ ऊपर, तो थोड़ा सा इनको घुमा लिया जाए बिकॉज सुबह से तबीयत खराब हो रही है, तो अभी थोड़ा सा ऊपर वॉकिंग करा लिया जाए। तो गाइज देखो अभी मैं जैसे कि ऊपर आया ना तो देखो ये कैसे मांजा, चाइनीज मांजा, और भाई ये गर्दन पे लग जाए ना यार, प्लीज़ यार डोंट यूज़ दिस मांजा, इस मांजे को मत यूज़ करो बिकॉज बर्ड्स वगैरह हर्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा यार, और इस इवन इससे क्या है ना हमें भी हर्ट होने का चांस होता है गर्दन पे, नेक पे, फिंगर पे। यार देखो अभी सडनली मेरे पैरों में लगा और इधर ऐसे था ये, तो गर्दन पे लग जाता, अब इसको तो कहीं ना कहीं मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। प्लीज़ मत यूज़ करें मांजा, आई रिक्वेस्ट यू गाइज। तो अभी मैं थोड़े से राउंड लगा लेता हूँ ना विद माई पार्टनर। Come back. तो मैं तो आ गया भैया ऊपर से, तो अभी खाना तो खाया नहीं था बट ऐसे ही घूमने गए थे, मज़ा आ रहा था ऊपर, बट बहुत जगह मांजा था तो उसको हटाया मैंने वहाँ से, साइड में फेंक दिया बस, और थोड़ा घूमा उधर। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं बिकॉज टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे, इसलिए सभी लोग डीजे वगैरह चढ़ा रहे हैं, अपने कोई सिस्टम सेट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग मान के चलो 5 PM से, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्साइटेड, फ्लाइंग काइट पतंग उड़ाने के लिए। तो भैया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने यहाँ पर एरिया में, क्योंकि बेहतरीन एरिया है तो यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन है। मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है अभी, फीलिंग नॉट गुड राइट नाउ, लाइक फीवर टाइप होता है ना बिकॉज ऑफ कोल्ड। अभी आफ्टर डिनर मैं तो भैया मेडिसिन लूँगा, आज का डे जो है ना यू कैन कॉल द लेजी डे, लेजी डे भी नहीं कहेंगे बिकॉज इनकी भी तबीयत ख़राब थी और मेरा भी ऐसा बिल्कुल फीवर सा, मन नहीं कर रहा सीरियसली बोलूँ तो कुछ करने का, बट काम भी करना ज़रूरी है, तो एडिटिंग वगैरह भी ये सब कंप्लीट करा, और भी कुछ डेली टास्क होते हैं हमारे तो वो भी कंप्लीट करा, बट अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहा हूँ, हल्का सा मेरे को जो है हल्का सा लाइक थोड़ा जैसे ठंड लगती है ना हल्की हल्की सी वैसा फील हो रहा है, और थकान तो ये मेरे को पता डेफिनेटली जो मेरे को कोल्ड हो रहा है स्टार्ट हो गया लाइक दिस फीलिंग, बट मैं इसको अभी इसको सही करना चाहता हूँ। सो मेडिसिन ली थी मैंने सुबह में, तो पैरासीटामोल ले लूँगा या सिट्रिजिन, ऐसा कुछ नहीं हो मेरे को, तो वैसे मौसम की वजह से हो रहा है, सडनली क्या होता है ना जैसे एकदम से गर्म ठंडा उसकी वजह से भी थोड़ा सा पसीने हैं सडनली एकदम से। अच्छी बात तो ये है हम दोनों लेटे नहीं रहते, मन नहीं करता भाई बीमार होना, भाई बचाए भगवान सभी को बीमारी से। तो बस चलो अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ यार, है ना आप लोगों से, लव यू। अभी मैं अपने ड्राई फ्रूट्स भिगो दूँ जरा, अंजीर वगैरह और स्प्राउट्स, छोटी वाली फॉर अंजीर, दिस बिग वन फॉर स्प्राउट्स, ग्राम्स जो अपने भिगोने हैं मेरे को, वॉश आउट करता हम फर्स्ट। धोने से क्या होगा ना जो भी इसके ऊपर डर्ट लगी होगी या कुछ भी होगा वो साफ हो जाएगा, तो इसको 2 times मैं वॉश आउट करूँगा। यार अंजीर मुझे थोड़े से कच्चे कच्चे से लग रहे हैं, पता नहीं क्या, देखो ना, बट ये वाला वाटर यूज़ नहीं करूँगा मैं इसके लिए। सो अब बारी आती है मूंग दाल, काला चना, इसको भी मैं वॉश कर लें, तो अच्छे से वॉश कर लें क्योंकि इसको बहुत सारी डर्ट लगी रहती है, तो मैं इसको 2-3 times मैं वॉश करूँगा इसको। सो गाइस फाइनल स्टेप, अब इसमें मैं वाटर डालूंगा, इसी चीज़ से इसको हाइड कर दूंगा। चिकन पोटैटो राइस, ये रहा चिकन पोटैटो, उधर थोड़ा सा आप देख सकते हो, तो अभी मैं जब खाऊंगा तो दिखा दूंगा आपको।
दिखा सकता हूँ ओनली, खिला सकता नहीं हूँ इस टाइम। वीडियोस भी वगैरह स्केड्यूल पे लग गए यार, बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, ये जो मैंने अभी होल्ड कर रखा है ना ट्राईपोड, ऐसा लग रहा है 10 किलो का पकड़ रखा हो। तो अभी खाने का वेट करते हैं, डिनर करते हैं फिर। फोर इज रेडी, दिस इज पटेरो चिकन पीस और ये थोड़ी सी सैलेड ऑनियन। तो फटाफट यार इसको फिनिश करता हूँ बिकॉज मुझे दवाई भी लेनी है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। ध्यान रखो आप लोग भी, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा यार, हो ही जाता है सभी को मोस्टली। थोड़ा ध्यान रखना, एकदम डार्क ठंडा पानी नहीं पीना ये वो, बट पता नहीं, मैं तो पीता भी नहीं हूँ डायरेक्ट ठंडा पानी, तो शायद एसी रूम से डायरेक्ट ऐसे हो गया होगा, बट होता ही है, कोल्ड वोल्ड तो हो ही जाता है। बाय बाय, बाय बाय।